ना कोई क्रीम, ना मिल्क पाउडर, ना कंडेंस मिल्क, ना अंडा, ना मशीन, सिर्फ और सिर्फ 2 कप दूध और 1 सीक्रेट चीज से बनेगी ये क्रीमी क्रीमी मैंगो मलाई रोल कट कुल्फी आइसक्रीम। आम का सीजन हो और आम की कुल्फी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ बहुत बहुत ही इजी मिनटों में तैयार होने वाली सुपर सॉफ्ट क्रीमी क्रीमी मैंगो मलाई रोल कट कुल्फी, जो आपने इससे पहले ना कभी खाई होगी ना इस तरह बनाई होगी। एक ऐसी सीक्रेट चीज बता रही हूँ जो आपके हर वक्त घर में ही रहती है, उससे तैयार करेंगे आज हम ये मैंगो कुल्फी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को विद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट सुपर डिलीशियस इंस्टेंट मैंगो रोल कट कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 मीठा वाला आम। वजन से बोलूं तो लगभग 400 ग्राम के करीब ये आम है। चाहे तो ऐसा आम ले लीजिए, या आपके पास 2 छोटे वाले मीठे जो पके हुए आम होते हैं ऐसे वाले आम हो तो आप ये ले सकते हैं, बस मीठा हो, टेस्ट में बढ़िया हो। क्योंकि आम का टेस्ट बढ़िया होगा तो आपकी कुल्फी का भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले आम को हम बिल्कुल बढ़िया से छील लेंगे। और ये लीजिए, मेरे पास एक और आम था तो मैंने इसको पहले से ही छील के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम आम के करेंगे छोटे छोटे पीसेस और इसका हम तैयार करेंगे पल्प। तो इस तरह से बस रैंडमली आप आम को कट कर लीजिए। लीजिए, तो मैंने आम को कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारे अपने आम के पीसेस को डालकर इसकी एक फाइन प्यूरी तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, आम को बस हमें इसी तरह से पीसना होगा। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया से मैंने आम को पीस लिया है। तो इसको अभी रखते हैं अलग, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन या कढ़ाई, इसमें मैं ले रही हूँ 1/2 लीटर दूध। कप से बोलूं तो लगभग 2 कप के करीब मैंने दूध लिया है। सिंपल जो आपके घर में रोज में दूध आता है ये मैंने बस वही लिया है, पानी नहीं मिलाया था। यानी फुल फैट मिल्क होगा तो हमारी कुल्फी का टेक्सचर एकदम क्रीमी बाजार जैसा आएगा। अब यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी। चम्मच से बोलूं तो लगभग 5 से 6 बड़े चम्मच के करीब चीनी ली है। आम मेरा मीठा है ना तो मैं इतनी ले रही हूँ, आप थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। बढ़िया से चीनी को मिक्स करेंगे, फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। तो आज ये मार्केट स्टाइल मैंगो रोल कट कुल्फी को मैं बना रही हूँ बिल्कुल बिना क्रीम के, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना मिल्क पाउडर के और बिना मावा और ना कोई अंडा ना मशीन। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक सीक्रेट चीज, और वो है ब्रेड स्लाइस। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड स्लाइस ली है। यकीन मानिए, ब्रेड से आपकी कुल्फी में इतना जबरदस्त टेक्सचर आएगा, आपको किसी कॉर्न स्टार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिल्क पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रीम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ब्रेड से गाढ़ापन तो मिलेगा ही, बढ़िया बाइंडिंग मिल जाएगी और फटाफट बिना कॉर्नफ्लावर बिना अरारोट हमारा काम बन जाएगा। और सबसे खास बात, आपको ब्रेड का जरा भी टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में बस रैंडमली ब्रेड के पीसेस को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। अब अपनी आइसक्रीम को एकदम क्रीमी बनाने के लिए हमें लगाना होगा एक जुगाड़। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ, देखिए, लगभग 8 से 10 काजू। काजू में फैट कंटेंट ज्यादा रहता है, आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी बाद में कर सकते हैं अगर काजू ना डालना चाहें तो। मैं सारी चीजें वो ले रही हूँ जो घर में हम इजीली हमारे यहाँ होती ही है, तो ये इजी पड़ेगा। साथ ही फ्लेवर के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है आम का और इलायची पाउडर का। सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से चर्न कर लेंगे, यानी बढ़िया से इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। ये लीजिए, हमारा ब्रेड वाला फाइन पाउडर है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अपने दूध को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध में एक बढ़िया उबाल आ गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स। एक तो इससे अच्छा कलर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी, कुल्फी आइसक्रीम में बढ़िया लगती है। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। केसर डालकर लगभग 2-3 उबाल और लेंगे दूध में बढ़िया से, कि जो दूध में पानी का कंटेंट हो वो बिल्कुल खत्म हो जाए, हल्का सा दूध गाढ़ेपन पर आ जाए। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपके साथ मलाई रोल कट कुल्फी की रेसिपी शेयर की थी, वो भी पूरी तरह से दूध से। आप उसे जरूर ट्राई करें, वो आपको बेहद पसंद आएगी और 100% मेरी गारंटी है बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगी। बर्फ जमने का देखिए एक ही कारण होता है, जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी हमारे मिक्स में तो बर्फ आती है, और जितना फैट कंटेंट क्रीमी कंटेंट ज्यादा रहेगा बर्फ नहीं आएगी। और ये देखिए, दूध में 2-3 उबाल और आ गए हैं, दूध हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार ब्रेड वाला मिक्स और बढ़िया से करेंगे सभी चीजों को मिक्स। लगातार जरूर चलाएंगे वरना लम्स बन जाएंगे, और अगर बन भी जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, आगे जो मैं स्टेप करने वाली हूँ ये पूरा मिक्स एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, ब्रेड के डालते ही आप देख सकते हैं कि पूरा जो मिक्स है हमारा कुल्फी का एकदम गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, दूध बिल्कुल बढ़िया से अब्सॉर्ब कर लिया है ब्रेड ने, कंसिस्टेंसी आपको ना कुछ खीर जैसी लगेगी। ये देखिए, बस इससे ज्यादा हम बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करेंगे मिक्स को, क्योंकि अभी ठंडा हो जाने के बाद ये मिक्स और गाढ़ा हो जाएगा। चलिए गैस को करते हैं बंद और पैन को उतार कर ठंडा होने रख देते हैं।
मिक्स हो गया है एकदम बढ़िया से ठंडा। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हो गया ना थिक, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और आप इस मिक्स से आप बहुत सारे फ्लेवर की अपनी कुल्फी आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए ग्राइंडिंग जार में जो मैंने आम को पीसा था, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है मेरे मैंगो में, क्योंकि कलर बहुत अच्छा था आम का। अब इसी में हम सारा डाल देंगे अपना ब्रेड वाला मिक्स। अब अपने आइसक्रीम को एकदम क्रीमी बनाने के लिए, कि उसमें बिल्कुल बर्फ ना आए, टेस्ट एकदम बाजार जैसा हो जाए, मैं यहाँ ले रही हूँ 5 बड़े चम्मच दूध की मलाई। ये देखिए दूध उबालते हैं, उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है उसके ऊपर एक मोटी लेयर आ जाती है, जिसे हम मिल्क क्रीम या दूध की मलाई बोलते हैं, जिसे हम घी भी निकालते हैं। ये बस मैंने वही ली है, इसको बढ़िया से हम इस तरह फेंट लेंगे। अब आप कहेंगे पारुल कि अगर मलाई ना हो तो क्या करें? अगर आपके पास मलाई की सुविधा ना हो तो जो सिंपल बाजार में अमूल फ्रेश क्रीम आती है, या आपके पास घर में व्हिपिंग क्रीम पड़ी हो, तो यहाँ पर आप 5 से 6 चम्मच वो भी डाल सकते हैं। लेकिन जब आप अमूल फ्रेश क्रीम नॉर्मल वाली डालें तो ऊपर का पहले पानी हटा दीजिएगा, फिर गाढ़ी गाढ़ी क्रीम डालिएगा। या फिर यहाँ पर आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा आप क्रीम का इस्तेमाल करें, चाहे दूध की मलाई का या फिर बाजार की क्रीम का। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप इतनी मेहनत से कोई चीज बनाए हो आपकी खराब ना हो। अब बढ़िया से सभी चीजों को करेंगे ब्लेंड, बिल्कुल स्मूथ इसका कुल्फी आइसक्रीम वाला पेस्ट तैयार करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा कुल्फी का मिक्स देखिए तैयार हो गया, आप देख सकते हैं इसका क्रीमी टेक्सचर। अब यहाँ रोल कट कुल्फी जमाने के लिए मैं सिंपल ले रही हूँ ये घर वाले स्टील के ग्लास, बिल्कुल बाजार जैसा गोल गोल टेक्सचर आ जाएगा, इसलिए मैं सिंपल स्टील के ग्लास ले रही हूँ, या फिर इस तरीके के प्लास्टिक के या कांच के ग्लास हो। आप चाहें तो कोई पतला टिफिन हो आपके पास लंबा सा, इनमें भी जमा सकते हैं, कुल्फी मोल्ड हो तो उसमें भी जमा सकते हैं, शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स हम अपने ग्लासेस में डाल देंगे, ऊपर तक नहीं भरेंगे, जिससे बाद में निकालने में हमें आसानी हो। ये देखिए आप अपने मैंगो रोल कट कुल्फी को जरा सुंदर सा दिखाने के लिए, और जब खाएं तो मजा आ जाए, मैं इसमें डाल दूंगी छोटे छोटे आम के चंक्स, यानी आम के पीस। ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए इस तरह डाइस की तरह। तो जब आप ये मैंगो रोल कट कुल्फी खाएंगे और ये पीसेस मुंह में आएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे। पूरी तरह ऑप्शनल है इसको डालना, तो थोड़े थोड़े चंक्स बस डाल करके ऐसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए परफेक्ट। अब ऊपर से हम अपने ग्लासेस को कवर कर देंगे इस तरह से फॉइल पेपर से, या फिर आप कोई भी क्लिंग रैप या किसी से भी कवर कर सकते हैं, जिससे कि ऊपर बर्फ ना आए। अब मैं इन ग्लासेस को रख रही हूँ 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए, आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर मैंगो रोल कट कुल्फी के जमने के बाद। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन हमारी मैंगो रोल कट कुल्फी है बिल्कुल तैयार, एकदम परफेक्ट सेट हुई है। ये देखिए ग्लासेस में। अब इस तरह से ग्लास को लेंगे और हथेली में इस तरह से इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, हाथ की गरमाई से जो हमारी कुल्फी है वो इजीली बाहर आ जाएगी। चाहे तो बस कुछ सेकंड्स के लिए आप पानी में भी ग्लास को घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे कुल्फी को निकालने के लिए आप चाहे तो स्टिक लगाकर निकाल लीजिए, या फिर आप नाइफ से भी इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए बनिए ना जबरदस्त क्रीमी क्रीमी, आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। बहुत अच्छी बनती है ये मैंगो रोल कट कुल्फी। जो हम जनरली रोल कट कुल्फी खाते हैं वो मावा मलाई रोल कट कुल्फी होती है, लेकिन अब की बार इस ट्विस्ट के साथ आप बनाइएगा रोल कट कुल्फी, मजा आ जाएगा। और बस इसको करेंगे इस तरह से कट। अच्छा सर्विंग के भी 2 तरीके हैं, एक तो ये तरीका हो गया, आप चाहें तो इस तरह से जैसे मुंबई वगैरह में वो ठेले पर मिलती है ना वो कट करते हैं, बिल्कुल वैसे देखिए इस तरह कट कर सकते हैं आप। एक ही कुल्फी में से 4 पीस हो गए, लग रही है एकदम मजेदार। और ये देखिए जो हमने आम के चंक्स डाले थे ना, कितने सुंदर दिख रहे हैं कुल्फी में, मजा आ जाएगा खाकर। और यहाँ पर मैंने अपनी मैंगो रोल कट कुल्फी को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है पिस्ता की बारीक कतरन से। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये स्पेशल मैंगो मलाई रोल कट कुल्फी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।